अगल के बिखर जाए तो अच्छा। पुराने दौर के गाने आप जब भी सुनेंगे तो उनमें हमेशा एक नयापन महसूस करेंगे। लेने दो नाजुक होठों को। पुराने गानों को इस तरह से रचा जाता था कि वे आज भी सुनने पर दिलों में बस जाते। लेकिन इन गानों को रचते समय कई परेशानियां भी आ जाया करती थी। ऐसी ही समस्या संगीतकार रवि के सामने एक दफा आई थी। गीतकार साहिर लुधियानवी के लिखे एक गीत को लेकर वे संशय में थे, लेकिन महान फनकार मोहम्मद रफी ने उनकी मुश्किल को चुटकियों में दूर कर दिया। रफी साहब ने गीत में एक शब्द को 17 तरीकों से गाया, जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, और ये कमाल सिर्फ और सिर्फ रफी साहब ही कर सकते थे। आइए द दिल्ली टॉकीज में आज इसी गाने के बनने की कहानी। गाने और किस्से पर बात करने से पहले इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं। सन 1965 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था काजल। फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार, धर्मेंद्र, महमूद, हेलन आदि ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म काजल गुलशन नंदा के उपन्यास माधवी की कहानी पर आधारित है और जिसको पटकथा में तब्दील किया था फणी मजुमदार ने, जबकि इस फिल्म में संवाद लेखन में सहयोग दिया था किदार शर्मा ने। इस फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और उन गीतों को संगीतवद्ध किया था संगीतकार रवि ने। जितना बढ़िया गुलशन नंदा ने माधवी नोबल लिखा, उतनी ही अच्छी निर्देशक राम माहेश्वरी ने यह फिल्म बनाई। ये वही माधवी नोबल है जिसके नाम से गुलशन नंदा रातों रात अमीर हो गए थे। बताते हैं कि इस नोबल का इतना क्रेज था कि उस दौर में हर तीसरा युवा स्कूल की किताबों के बीच में इस नोबल को रखकर पढ़ता था ताकि घर वाले न देख ले। ये दिक्कत लड़कियों को खूब आती थी क्योंकि उन दिनों जवां लड़कियों के लिए रोमांस की कहानियां पढ़ना वर्जित था और गुलशन नंदा की कहानियों में रोमांस होता था। ये बात उस भले जमाने के माता पिता बखूबी जानते थे। फिल्म काजल के सभी गीत उस दौर में ब्लॉकबस्टर रहे थे। माँ के न यूं ही खो देना रंगीन जमी की घड़ियां, उनके पास जो आएगा घल जाएगा। गीतकार साहिर लुधियानवी हमेशा फिल्म की कहानी के अनुसार गीत लिखा करते थे। इसके बाद संगीतकार उन गीतों के लिए धुन बनाते थे। इस फिल्म का एक गीत है ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए। जब संगीतकार रवि ने गाने के बोल पढ़े तो उन्हें ये गीत कुछ सही नहीं लगा। उन्होंने गीतकार साहिर लुधियानवी से पूछा, साहिर साहब ये गाना पूरा तो है, इसमें कुछ रह तो नहीं गया, मेरा मतलब कोई शब्द मिसिंग तो नहीं है जो आप लिखना भूल गए हो। इस पर साहिर साहब बोले, नहीं नहीं ये गाना पूरा है, इसमें कोई भी शब्द नहीं छूटा। कुछ सोचने के बाद संगीतकार रवि बोले, साहिर साहब मैंने एक गाना सुना था फिल्म महल का, घबराकर अगर हम सर को टकराएं तो अच्छा हो। कहीं ये भी ऐसा तो नहीं है कि ये जुल्फ खुल के बिखर जाएं तो अच्छा हो। इस पर साहिर लुधियानवी बोले, अरे नहीं नहीं रवि जी, हो लगेगा तो फिर ये गाना उस गाने की कॉपी लगेगा। अब संगीतकार रवि असमंजस में आ गए कि वे अच्छा शब्द पर कैसे धुन को खत्म करेंगे। उन्हें पता था कि इस गाने की धुन बनाने में मुश्किल आएगी। दरअसल गीत में 17 बार अच्छा शब्द है। अच्छा। ऐसे में संगीतकार रवि चाहते थे कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए या फिर अच्छा है जोड़ दिया जाए, लेकिन गीतकार साहिर लुधियानवी ने शब्दों में किसी भी तरह का बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया।
साहिर साहब ने जब संगीतकार रवि को गाने में बदलाव करने के लिए मना किया तो रवि महान फनकार मोहम्मद रफी के पास पहुंचे। उन्होंने रफी साहब को इस गाने के बारे में बताया और साथ में यह भी बताया कि इस गाने में साहिर साहब ने एक ही शब्द को 17 बार इस्तेमाल किया है जो मुझे सही नहीं लग रहा है। मैंने उनसे इसमें बदलाव के लिए भी कहा मगर उन्होंने इनकार कर दिया। रफी साहब ने जब गीत को पढ़ा तो मुस्कुराते हुए बोले, रवि जी आप चिंता ना करें, आप धुन बनाइए, बाकी मैं देख लूंगा। फिल्म में गाना राजकुमार और हेलन पर फिल्माया गया है। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है भी उसी तरह गुजर जाए अच्छा, दुनिया की निगाहों में बुरा क्या है भला क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए अच्छा। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया, इल्जाम किसी और पे आ जाए तो अच्छा। रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब ने अपनी प्रतिभा दिखाई और 17 बार इस शब्द को अलग अलग अंदाज में गाया। ये देखकर संगीतकार रवि रफी साहब के कायल हो गए और वे रफी साहब की प्रतिभा का लोहा मान गए। बता दें कि फिल्म काजल में ये गाना 3 बार आता है। पहले पार्ट में अच्छा शब्द 10 बार, दूसरे पार्ट में 2 बार और तीसरे पार्ट में 5 बार आता है। कई दर्शक तो इस फिल्म के गीतों को देखने के लिए जाते थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, इतनी हिट रही कि उस साल की कमाऊ फिल्मों में इसका 10वां नंबर था। बाद में इसे तेलुगु में भी बनाया गया। इस फिल्म की कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने उस दौर में 2 करोड़ रुपए कमाए थे, जो आज कितने होंगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इस फिल्म का एक गाना तोरा मन दर्पण कहलाए, इसे लता मंगेशकर ने नहीं बल्कि आशा भोसले ने गाया था। तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनुमान, इस भजन में आशा की आवाज लता का भ्रम देती है। इस फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते। मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस तो पद्मनी को फिल्म फेयर का सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। इसी फिल्म का एक गीत छू लेने दो नाजुक होंठों को के लिए मोहम्मद रफी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ऐसे तो इन्हें मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम जाए तो अच्छा। आज के किस्से में इतना ही, दीजिए इजाजत।